नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चैप्टर नंबर 4 जो कि स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, जो मैंने कल आपको इसके अंदर इसके शुरुआत के टॉपिक्स को पढ़ा दिया था। आज जो इसके अंदर टॉपिक है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी वर्ड जो है, आप वर्ड से ही समझ सकते हो, पॉली मतलब मोर देन वन। मोर देन वन जो होता है वो पॉली मतलब कि बहुत सारे नंबर में, जब एम्ब्रियो प्रेजेंट हो यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक से ज़्यादा नंबर में अगर हो जाए तो उस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ये सबसे पहले 1719 में एंटन लीवेनहॉक ने ही देखी थी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम ओव्यूल सीड और फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एम्ब्रियो का, कहाँ से, ओव्यूल से, सीड से या फर्टिलाइज्ड ओवम से, जो कि संख्या में मोर देन वन हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अगर ओवम सीड या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम से हमें मिले, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी होने के किसी भी चीज़ को होने के कुछ कारण होते हैं, यानी कॉजेज होते हैं। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें कि पॉली एम्ब्रियोनी के कॉज क्या हैं, तो सबसे पहले होता है इसके प्रो एम्ब्रियो के अंदर क्लीवेज, यानी जो इसका जायगोट या प्रो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर अगर क्लीवेज हो जाता है, तो क्लीवेज होने की वजह से जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो जाता है वो एक से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कई कई में क्या हो जाता है, जब ये क्लीवेज हो जाता है तो वो बर्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, बर्ड्स निकल के आ जाते हैं, तब एम्ब्रियो जो है वो एक से ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो है पॉली एम्ब्रियोनी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जहाँ प्रो एम्ब्रियो में या फिर जायगोट में क्लीवेज हो जाए। सेकंड आ जाती है हमारी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन दी एग सेल। मतलब कि हमारे जो अगर हम इसके अंदर देखें पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक से हो बजाय कि एग सेल के फ्यूजन, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल जो होती हैं, मैंने एग एपरेटस बताया था, एग एपरेटस के अंदर एक एग सेल होता है, दो सिनर्जिड सेल होती हैं। जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट अगर एम्ब्रियो का किसके साथ ना हो करके, एग सेल के साथ ना हो करके एम्ब्रियो सैक के जो बाकी की सेल है उनके साथ हो जाए, ऐसी कंडीशन में पॉली एम्ब्रियोनी होती है। तो एग सेल के साथ नहीं हो रहा तो कौन सी सेल बची, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के साथ में जब फ्यूज़ होके मेल गैमेट जब फर्टिलाइजेशन करेगा, या फिर अनफर्टिलाइज या फर्टिलाइज्ड फ्यूजन ऑफ सिनर्जिड सेल का होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो पॉली एम्ब्रियोनी में डेवलप होता है। क्योंकि उस केस में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, क्योंकि सिनर्जिड सेल जो होती हैं वो नंबर ऑफ टू नंबर्स में होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन दी ओव्यूल। अगर ओव्यूल के अंदर जब हम देखें, अगर एक से ज़्यादा क्या हो जाएं, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि उसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी होने के बहुत चांसेस होते हैं। क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो सैक ज़्यादा हो जाएंगे, सैक होंगे तो उसके अंदर एग सेल भी अपने आप साथ ज़्यादा होंगी, और उतनी ही एग सेल के साथ में मेल गैमेट का फ्यूजन होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर चौथे टाइप की बात करें तो होता है वो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अगर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर देखें तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी का क्या होता है, इसके अंदर एग सेल के साथ में फ्यूज होने के बजाय, या फिर ओव्यूल के एग सेल एग एपरेटस के साथ फ्यूज होने के बजाय, मेल गैमेट का मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो न्यूसलस या इंटेग्यूमेंट लेयर के थ्रू होता है। ऐसी कंडीशन में जो होता है वो हमारा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी होता है, और ऐसे में भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट
होता है। तो ये जो चारों फैक्टर होते हैं ये पॉली एम्ब्रियोनी को कॉज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि पहला हमारा हुआ क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो, यानी कि प्रो एम्ब्रियो या फिर जायगोट का क्लीवेज हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी होता है। दूसरा हमने बताया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेग अदर देन दी एग सेल। एग सेल के अलावा कौन सी सेल बची, सिनर्जिड सेल के साथ में जब फ्यूजन हो जाता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ऐसे कंडीशन में भी पॉली एम्ब्रियोनी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन दी ओव्यूल। अगर ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक हो जाते हैं तो उसके अंदर एग एपरेटस भी क्या होंगे, मोर देन वन हो जाएंगे, यानी कि एक्स सेल भी मोर देन वन हो जाएगी, और एक्स सेल एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो उसका फ्यूजन भी मेल गैमेट का एक से ज़्यादा एक्स सेल के साथ होगा और वहाँ पे एम्ब्रियो भी एक से ज़्यादा बनेंगे, तो ऐसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी ही बोलेंगे। चौथा आ जाता है हमारा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, यानी एम्ब्रियो का डेवलप जब न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट लेयर के थ्रू होता है, ऐसी कंडीशन में हमारा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी होता है, यानी कि मोर देन वन एम्ब्रियोस में डेवलप होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पॉली एम्ब्रियोनी का इंट्रोडक्शन और उसके कॉजेज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर हम पॉली एम्ब्रियोनी के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियो डेवलप्ड न्यूक्लियस क्लोन ऑफ मदर प्लांट, यानी एडवेंटिव एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है किससे, जो न्यूक्लियस क्लोन होता है मदर प्लांट का उससे। अब इससे क्या होता है, जब न्यूक्लियस क्लोन जो मदर प्लांट का होता है उससे जब कोई एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो लार्ज क्वांटिटी में और हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। तो ये लार्ज अमाउंट में जब हमें कोई खेती या फिर कुछ इस तरीके का प्रोडक्शन करना होता है तो हम एडवेंटिव टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी को लेते हैं जो कि न्यूक्लियस क्लोन ऑफ मदर प्लांट से होता है। दूसरा होता है हमारा सिग्निफिकेंस है इसका, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस इज डिसीज्ड फ्री, यानी कि अगर जो एम्ब्रियो न्यूक्लियस पार्ट्स से डेवलप करता है वो डिसीज फ्री होता है, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज नहीं देखने को मिलती है। वायरल डिसीज जैसे कि मैंने आपको बताया था टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट के अंदर आ जाता है, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर उसके लीव्स का बना लेता है, नेक्रोसिस कर देता है उसके क्लोरोफिल पार्ट को। तो इस तरीके की कोई भी डिसीज़ जो है प्लांट के अंदर देखने को नहीं मिलती है अगर उसका एम्ब्रियो जो है वो उसके न्यूक्लियस पार्ट से डेवलप करता है। थर्ड जो है वो है एम्ब्रियो जो होता है, ये जो इसका जो इस तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो इम्पोर्टेंट होता है साइटोलॉजी के फील्ड में, यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स, जो सेल्स की जो स्टडी होती है उसके लिए इस तरीके की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इसके सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो हाई अमाउंट में होता है, जो डिसीज फ्री होता है, और ये साइटोलॉजी की फील्ड में हेल्प करता है इसका एम्ब्रियो जो डेवलप होता है। ये जो सिग्निफिकेंस हुए, ये सिग्निफिकेंस के साथ साथ ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो इसी के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें आता मेथड्स में आ रहा था, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ही क्लियर वे में आपको पढ़ाया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर मैंने आपको बताया था नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो स्टेम रूट लीव जो होते हैं इनके थ्रू होता है, और आर्टिफिशियल में हम कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करके हम डिफरेंट डिफरेंट मैन मेड मेथड्स के थ्रू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो फिनिश होता है। तो सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, आज के लिए धन्यवाद।